हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली गाइस। आई विश एंड आई प्रे गॉडेस लक्ष्मी विजिट्स योर होम दिस दिवाली। अगर आपने डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पूरा फॉलो कर लिया और अपने घर को उसी तरीके से साफ किया तो भाई इस बारी तो बनता ही है, दर्शन हो ही जाएंगे। अभी ना मेरे डेस्टिनेशन में पहुंचने में कुछ टाइम है, मैंने सोचा चलो इसका नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं, डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 8। कैसा लगा पार्ट 7 ये ज़रूर बताना, और अभी तक की डी क्लटरिंग की सीरीज़ पार्ट 1-7 किस तरीके से लगी है, कैसी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो किया या नहीं किया, भाई इंस्टाग्राम पे रियल टाइम अपडेट्स चलते हैं और बहुत सारी गप्पे शप्पे भी चलती हैं, सो वो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करो। मेरी अगेन लिस्ट तैयार है फ़ोन में। सो आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ना, डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 8, उसमें हम क्या आज डी क्लटर करने जा रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये बहुत निगलेक्टेड पार्ट है अपनी घर का, जो कि हम लोग मोस्टली छोड़ देते हैं या फिर हमारे माइंड के ना बिल्कुल लास्ट में आता है कि भाई चलो ये भी देख लेते हैं। जब थके टूटे होते हैं तब याद आते हैं कि भाई चलो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम सब ने कभी ना कभी गार्डनिंग घर पे ट्राई ज़रूर करी होती है, चाहे हमारे पास छोटी सी बालकनी क्यों ना हो, चाहे हम कभी एक छोटा सा प्लांट ही घर पे लेके आए हों, बट गार्डनिंग हॉर्सेस हम सब ने अपने दौड़ाए हुए हैं, बट वो प्लांट कभी चलता है कभी नहीं चलता। अब जब हम नर्सरी से जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्लांट बैग में नहीं होते हैं, ग्रो बैग में नहीं होते हैं, और छोटे छोटे ब्लैक कलर के पॉट्स में हम प्लांट्स लेके आते हैं। ड्यू टू एनी रीज़न प्लांट ख़त्म हो जाता है और वो पॉट ऐसे का ऐसा ही घर पे पड़ा रहता है। जी आज हम डी क्लटर करने जा रहे हैं अपने गार्डन सप्लाईज। भाई इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, वर्मी कंपोस्ट होता है, एंटी डिजीज होता है, एंटी फंगल पैड्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ग्रीन के सीड्स होते हैं या फिर और कोई सीड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके होते हैं, हमने देखा नहीं होता, पुराने भी होते हैं तो वो लोग फिर आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनकी एज ख़त्म हो जाती है। सो इस तरीके से होता है, हम लोग प्लांट्स लेके आते हैं, कुछ प्लांट सर्वाइव करते हैं कुछ नहीं करते हैं, जब उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो पॉट एम्प्टी हो जाता है, उसमें मिट्टी पड़ी रहती है, बट हम उसमें कोई न्यू प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। सो आपने क्या करना है इस बारी कि आपने गार्डन सप्लाईज, आप मानोगे नहीं मैंने इतने सारे, मेरे पास अराउंड 35 पॉट्स असॉर्टेड, लार्ज मीडियम स्मॉल स्मॉलेस्ट मार्बल्स वाइट मार्बल्स, मैंने सब कुछ ये सेल ऑफ किया है, लिटरली गार्डन सप्लाईज मैंने अपने सेल ऑफ किए हैं। 35 पॉट्स थे, 10-11 केजीज या 12 केजीज अराउंड वाइट मार्बल्स थे, एंटी डिजीज जो कि अभी थी बट मेरे यूज़ नहीं हो रही थी क्योंकि मैं अभी कोई वेजिटेबल्स ग्रो नहीं कर रही हूँ घर पे, सब कुछ मैंने सेल ऑफ़ किया, और जो सेल ऑफ़ किया उसकी पिक्चर फ़ोटो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने सेल ऑफ़ करी हैं, एज अ वन आइटम बना के ही मैंने उसको सेल ऑफ़ किया है, मैंने उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑफ़ नहीं किया है। सो जिसने भी पिक किया है एज अ होल उसने पिक किया है, सो मैंने उसको अलग अलग नहीं किया कि यार बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हो जाएगी और अलग अलग आप 100-200 रुपये ऐसे करके डालोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 500-1000 रुपये में, मतलब मैंने सब कुछ सेल ऑफ कर दिया। वर्मी कंपोस्ट का न्यू पैक 5 केजीज का मैंने उसको सेल ऑफ किया है, क्योंकि देखो मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ इतना, इस साल तो मैं घर पे टिकी नहीं हूँ। सो लिटरली जो मेरे गार्डन सप्लाईज ऐसे थे कि कुछ तो पॉट्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, कुछ हैं नहीं चल रहे हैं, कुछ सब कुछ एक्सपायर हो जाएगा उसका फ़ायदा नहीं है, तो जाएंगे नया ले लेंगे, इस तरीके से है। अगर आपके गार्डनिंग पॉट्स ब्रेक हो चुके हैं उनको रिप्लेस करके फ्रेश पॉट्स में डालिए, आपके प्लांट्स अगर आउटग्रो हो चुके हैं उनको फ्रेश पॉट में डालिए, रूट बाउंड हो गए हैं अगेन उनका पॉट चेंज कीजिए, थोड़े से बड़े पॉट में डालिए, एंड जो टूटे हुए पॉट्स हैं या टूटी हुई चीज़ें हैं उनका कोई DIY मत कीजिएगा प्लीज़। मैंने आपको पूरी डी क्लटरिंग की सीरीज़ में बोला है कि टूटी हुई चीज़ें आपको घर पर नहीं रखनी है, उनको दोबारा से रीयूज़ मत कीजिए, उनको निकाल दीजिए, उनका प्लेस आपके घर में नहीं है। आपको अगर घर में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, स्पेशली इस दिवाली अगर लक्ष्मी जी आप चाहते हैं कि आपके घर में आए, भाई टूटी हुई चीज़ें और रुकी हुई चीज़ें अपने घर में बिल्कुल भी मत रखना, चाहे वो किसी भी घर की चीज़ से रिलेटेड हो, किचन से रिलेटेड हो, बेडरूम से रिलेटेड हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, टूटी हुई रुकी हुई कोई भी चीज़ आपको घर पे नहीं रखनी है, धीरे धीरे करके चीज़ें निकालते चलिए। दूसरी जो चीज़ है ना यार, वो तो आपकी रिक्वेस्टेड है। अच्छा इससे पहले कि वो मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, मुझे ये बता दो नेक्स्ट पार्ट्स, रादर मैं पार्ट्स बोल रही हूँ, पार्ट 9 और 10,
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें से एक होने वाला है मेरी मम्मी की किचन का मेकओवर, लिटरली मेरी सास की किचन का मेकओवर होने वाला है, तो वो मैं लेके आऊँ या नहीं आऊँ। और दूसरा जो एक पार्ट आने वाला है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो अगेन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मैं उस पर मेहनत करके बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। आपको अगर वो पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, पार्ट 9 और 10 आपको चाहिए, तब जाके मैं वो दोनों पार्ट्स बनाने वाली हूँ। बहुत सुपर डुपर इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ना, ये आपकी डी क्लटरिंग का सम अप होने वाले हैं। एंड इसके बाद आई गेस आपके पास घर में बहुत कम चीज़ें रह जाएंगी जो आपको डी क्लटर करनी होंगी। जो आपने सेकेंड चीज़ अपने घर से इस वीडियो में डी क्लटर करनी है, इस बच्चों के टॉयज। अगेन ये रिक्वेस्टेड है कि हम बच्चों के टॉयज कैसे डीक्लटर करें। आपको अपनी बच्चों की प्रेफरेंसेस तो पता ही होंगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा रीच आउट करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि भाई वो बिल्कुल ही टच नहीं करते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि भाई वो लोग देखते भी नहीं है मुड़ के। जो चीजें देखो वो नहीं देख रहे हैं, उनके एकदम आंख के नीचे से, आई मीन बिहाइंड द बैक, आप उनको घर से थोड़ा सा कल्टी कर दो, ठीक है, किसी को दे दो जिसको यूज़ आ जाए। तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने ये चीज़ निकाल दी है, बताओगे तो भाई वो अटक जाएंगे वहीं पे कि नहीं मुझे अब तो यही चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ आपको उनको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे उसको रीच आउट नहीं कर रहे हैं तो पतली गली से उसको निकाल दो। थोड़ा सा आउटफिट वगैरह चेंज हो गया है। हैप्पी धनतेरस, आज मैं धनतेरस वाले दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगेन मैं कहीं जा रही हूँ, सो वीडियो देखा टाइम किस तरीके से मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। सो अभी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मिनी व्लॉग दिवाली का वहीं पे आएगा। और इस बारी फुल व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि आप लोग फुल व्लॉग देख ही नहीं रहे हो, करवा चौथ का व्लॉग भी आपने ऐसे सही कर दिया। सो मैं फुल व्लॉग अब नहीं डालने वाली हूँ, मिनी व्लॉग देखना हो तो वो आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। फुल व्लॉग्स आपको मेरे फैशन एंड ब्यूटी चैनल पे मिलेंगे, इन केस अगर देखना हो वहाँ पे मैं व्लॉग्स डालूंगी या फिर शॉर्ट व्लॉग्स डालूंगी, मिनी व्लॉग्स डालूंगी, वो आपको वहीं पे मिलेंगे। सो उसका जो लिंक है वो फीचर चैनल में होगा, चैनल पेज चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, आपने टॉयज का डी क्लटर कैसे करना है। सो देखो बच्चे ना बहुत ज़्यादा फजी होते हैं, और जब उनके टैंट्रम स्टार्ट होते हैं ना, तो वो टैंट्रम्स ऐसे होते हैं कि भाई झेले नहीं जाते, हमारा भी पारा मतलब पारा ही फट जाता है, ब्लास्ट ही हो जाता है पारा। तो जो सबसे पहले मैंने आपको डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में बताया था कि अगर आपको लगता है कि आपकी ये चीज़ इन फ्यूचर यूज़ आने वाली है, आप उसको कुछ टाइम आउट ऑफ साइट रखो और फिर कुछ टाइम के बाद रिव्यू करो कि भाई ये चीज़ एक्चुअली मेरे काम आने वाली है या नहीं। सेम हिसाब किताब बच्चों के साथ भी है। उनके फर्स्ट ऑफ ऑल टॉयज़, जो सबसे प्यारे उनके दुलारे टॉयज़ हैं ना, वो तो भाई आप छेड़ो ही मत। टूटे फूटे टॉयज़ हो गए हैं जिनसे वो कभी कभार रीच आउट करते हैं, कभी उनको नहीं। खुद देखो टॉयज़ की भी इनकी कैटेगरी होती है कि भाई कुछ टॉयज़ हैं जो इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आते, कुछ टॉयज़ होते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं, बहुत सारी भरमारी होती है, कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जो टूट फूट गए होते हैं बट इनको बहुत ज़्यादा जान से प्यारे होते हैं। भाई कुछ भी हो जाए वो टॉय तो चाहिए ही चाहिए, चाहे उसकी जितनी दुर्गति हो गई हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अपने बच्चे की फ़िगर आउट करनी है, उनको थोड़ा नोटिस करिए जब वो खेल रहे होते हैं कि उनको क्या, कौन सा टॉय वो रीच आउट करते हैं, क्या उनका टॉय मनपसंद है, कौन सा ऐसा टॉय है भाई जिनको वो बिल्कुल हाथ लगाना पसंद नहीं करते हैं। कुछ 2-3 हफ्ते आप इनको देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टॉयज़ ये रीच आउट नहीं करते हैं या जो टॉयज़ ये लोग बहुत ज़्यादा कम हाथ में लेते हैं, उनको आपने क्या करना है कि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, सुना होगा आपने। तो आपने उनको एक बॉक्स में डाल के ऊपर की स्टोरेज या कहीं स्टोर में आपने उनको बंद कर देना है। उसके बाद शुरू होती है वेटिंग गेम। वेट कीजिए 3 महीने 2 महीने 6 महीने, वेट कीजिए। अगर आपका बच्चा वो टॉय डिमांड नहीं करता है जो आपने पैक कर दिया है, देन इट्स गुड टाइम कि आप उसको आगे डोनेट कर दीजिए। वो टॉयज़ आप अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में दे सकते हैं इफ़ दे आर इन गुड कंडीशन, या फिर अगर आपने उनको डोनेट करना है तो आप एक काम कीजिए कि अपने बच्चे के हाथ से उनको डोनेट करवाइए, ताकि बच्चों में एक एम्पथी की फीलिंग भी आए, साथ में उनको पता चले कि उनके टॉयज़ आगे गुड यूज़ के लिए भी जा सकते हैं, एंड दे कैन प्ले केयरफुली, टॉय को तोड़े नहीं, ताकि वो और किसी के भी आगे यूज आए, बच्चों में अच्छी हैबिट्स डेवलप हो आगे डोनेट करने की और आगे चीजें शेयर करने की। इसी के साथ साथ आपको बच्चों को ये भी बताना है कि आपके पास टॉय स्टोरेज की स्पेस लिमिटेड है। आपको क्या करना है कि आपको एक छोटा बिन बच्चों के लिए रखना है,
ओ माय गॉड, ट्रैफिक कितना यार उस साइड, आते हुए तो भाई बैंड बज जाएगी। बच्चों के लिए एक छोटा टॉय स्टोरेज रखिए अपने पास, जिसमें कि बच्चों को पता हो कि हमारे टॉयज उतने ही घर पे आएंगे जितने कि इस बैग में स्टोरेज है। इससे ओवर एंड एक्सीड अगर ये ओवरफ्लो कर रहा है, हमारे टॉयज नहीं आएंगे। और साथ ही में आपने बच्चों को बताना, अगर आपको न्यू टॉय चाहिए तो आपको यहाँ पे से कोई टॉय निकालना भी होगा डोनेट करने के लिए, या फिर आगे सिबलिंग्स को देने के लिए। आपने अपने बैग में से कुछ निकालना है, चाहे वो आप सिबलिंग्स को दो, चाहे वो आप फैमिली में किसी बच्चे को दो, वो आप डिसाइड कीजिए कि आपने क्या करना है। बट वो टॉय उस बैग में से निकलना चाहिए अगर एक और टॉय लेके आना है। ज्यादा बड़े टॉयज आप लेके आ रहे हैं, बिग साइज के टॉयज लेके आ रहे हैं, तो एक बारी सोच समझ के लेके आना कि एक्चुअली में आपको ये लेके आना है, नहीं लेके आना। बिकॉज टॉयज एक ऐसी चीज होती है कि घर में से सब कुछ साफ हो जाता है, बट जो टॉयज का स्यापा होता है ना, तब भी घर बिखरा हुआ होता है। टॉयज जगह पे पहुंचते ही नहीं है, टॉयज की वजह से हमेशा घर फैला फैला लगता है। तो आपने यही करना है कि बच्चों का एक लिमिटेड स्पेस बनाइए। अगर उनका प्ले रूम है, वेल एंड गुड, उनको बोलिए टॉय इस रूम से बाहर, बाकी रूम्स में नहीं आएंगे, आप उसी रूम में उनको खेलिए, चाहे जो मर्जी कीजिए। एंड एट द एंड आपको वो सारे टॉयज उठा के अपने उस बैग में डालने, उन्हीं से वो उनके साथ एक्टिविटी कराइए, आप भी लगिए साथ में, और उनमें भी ये हैबिट डेवलप कीजिए कि आपने एक एक करके अपना टॉय उस बैग में डालना है। धीरे धीरे करके बच्चों में ये आदत आ जाएगी। और साथ में नया टॉय लाना है तो एक पुराना टॉय आपको निकालना पड़ेगा, उसी ही साइज का, उसी ही मेजरमेंट का, और उतनी ही कैपेसिटी डेंसिटी का, ताकि जो स्पेस है उस बैग में बन सके नए टॉय के लिए। बाकी तो यार टॉय से बहुत सारे DIYs भी हो जाते हैं, जैसे कि गर्ल्स के किचन सेट्स वगैरह होते हैं, तो आप वो लोग यूज़ करिए अपने किचन के लिए। कुछ होम डेकोर आइटम्स आप DIY आइटम्स तैयार कर सकते हैं, स्प्रे पेंट कीजिए उनको, या उन पे फैब्रिक पेंट्स यूज़ कीजिए, फेविक्रिल वाले, या फिर आप कुछ भी तरीके की कलाकारी DIY आप उन टॉयज के साथ कर सकते हैं। डेकोरेटिव पीसेज आप बना सकते हैं बच्चों के टॉयज के साथ। सो गेट योर क्रिएटिव हॉर्सेस रनिंग, और कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे उसमें। सो इस तरीके से आप DIY भी कर सकते हो। बाकी थर्ड स्टेप आप ये कर सकते हो, डोनेट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आप डोनेट कर सकते हो, और बच्चों के हाथ से ही कराना, ताकि उनमें ये हैबिट डेवलप हो पाए और उनमें विनम्र भाव उत्पन्न हो सके। उनमें ये चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे क्या, बड़ों में भी एम्पथी ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो रिलेशंस को लेके हो, फैमिली को लेके हो, या किसी थर्ड पर्सन अनजान को लेके हो। आजकल लोग लड़ने झगड़ने के लिए उतारू होते हैं, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है। सो प्लीज़ अपने बच्चों में ये चीज़ें इंकलकेट कीजिए, अदरवाइज़ बड़े होके वो आपको भी उल्टा जवाब दे सकते हैं कि आप ही ने हमें इस तरीके से ये वैल्यूज़ दी हैं। इसीलिए हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हार्टेड हो या बिल्कुल ही हार्ड हार्टेड हो, बट हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है, और वो बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना है। आपको बचपन से ही उनमें ये चीज़ें विकसित करनी है, ताकि भाई बड़े होके अच्छे ह्यूमन बीइंग वो निकल पाएं और दूसरों की भी कदर करें। सो इसी के साथ, भाई धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र, जिसमें हमने आज बच्चों के टॉयज़ डीक्लटर करें हैं। ये तीन स्टेप्स हैं, अगर आपने ये तीन स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आई होप इजीली आपके बच्चों के टॉयज डीक्लटर भी हो जाएंगे, और एक स्पेस में भी रहेंगे, ज्यादा फैलेंगे नहीं घर में, और आप घर भी अपना मैनेज कर पाएंगे। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइए अब आपको किचन मेकओवर की वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। एक आखिरी डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र वीडियो, भाई वो एक्चुअली में ना बहुत मस्त वीडियो है, बहुत मस्त टॉपिक है। अगर आपको वो चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, तब मैं बना दूंगी। और उसके बाद स्टार्ट होने वाली है जो मैंने अपनी मम्मी की किचन का मेकओवर किया है। अब भाई 70+ की किचन का मेकओवर आप समझ सकते हो, बट मैंने आपको कुछ कुछ ग्लिम्सेस तो दिखाई दिए हैं, तो मैंने उनको किस तरीके से अब मैनेज किया है वो अगर आपको देखना हो तो वो भी कमेंट करके बताओ। और लास्ट पार्ट डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र, वो भी मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं वो भी कमेंट करके बताओ। इवन जो किचन मेकओवर है वो भी डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज में ही आने वाली है, बिकॉज उसके पार्ट्स होंगे, वो एक पार्ट में मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, लिटरली उसमें इतना ज़्यादा स्टफ है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। दिवाली है, अच्छे से चमको धमको और बहुत अच्छे से अपना फेस्टिवल मनाओ, फैमिली को भी खुश रखो, अच्छे अच्छे पकवान खाओ, एंड मे गॉडेस लक्ष्मी ब्लेस यू ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फॉर द मिनी व्लॉग ऑफ दिवाली एंड धनतेरस। और साथ में जो फैशन एंड ब्यूटी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो, वहां पे हो सकता है फुल व्लॉग आ जाए।
फुल व्लॉग्स मैं अब यहाँ पे इस चैनल पे नहीं डालने वाली हूँ, सो व्लॉग्स आपको उसी चैनल पे मिलेंगे। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो।